आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हम जान लें कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। स्पेशली आज के मॉडर्न युग में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हर चीज़ असंभव है, और शायद अब हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह भी नहीं सकते हैं। आजकल घरों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में, इंडस्ट्रीज में, इन सभी जगह इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, और बिना उनके सभी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। बाय द वे, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। चार्जेस यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो फ्लो ऑफ चार्जेस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट मेनली कहलाता है, ठीक है। और जिसके थ्रू चार्ज यहां से वहां जाता है उसको हम स्पेशली कंडक्टर बोलते हैं। अब सर्किट क्या होता है, तो सर्किट एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम यहां से वहां पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर सर्किट कहीं भी टूट जाता है तो ऐसे स्थिति में करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ध्यान से सुनिए, अगर सर्किट इनकम्प्लीट रही या फिर कहीं सर्किट ब्रोकन हो गया तो ऐसे स्थिति में सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। अगर किसी कंडक्टर से क्यू चार्ज फ्लो करता है और उस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शन होता होगा, लेकिन वो चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है और करंट जो होता है वो आई होता है, तो ऐसे स्थिति में जो क्रॉस सेक्शन होगा या फिर क्रॉस सेक्शन से करंट क्या जाएगा, तो ऐसे में हम उसको डिनोट करते हैं आई इज इक्वल टू, या फिर कैलकुलेट करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, जहां पे आई करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। अब SI यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम्ब, जो कि लगभग इक्वल होता है 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यानी कि यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, लेकिन अगर उसको हम फिजिक्स में अगर बोलें कि फिजिक्स में हम किससे डिनोट करते हैं तो वो होता है आई यानी कि करंट। अब एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एंड्री मैरी एम्पियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे एम्पियर SI यूनिट रखी गई करंट की। अब 1 एम्पियर को डिफाइन अगर करें तो 1 एम्पियर जो होता है वो तब 1 एम्पियर चार्ज कहलाएगा जब वो 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हो, तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है किसी भी कंडक्टर से। ध्यान से सुनिए फिर से कि 1 कूलम्ब चार्ज यानी कि यूनिट कूलम्ब चार्ज अगर यूनिट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसे हम ये कहेंगे कि उस कंडक्टर में यूनिट यानी कि 1 एम्पियर चार्ज 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। करंट की जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है उसे हम मिली एम्पियर में शो करते हैं, और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, या फिर माइक्रो एम्पियर से भी हम कर सकते हैं डिनोट, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट नापते हैं उसका नाम होता है अमीटर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट से नापने में हमारी हेल्प करता है।
और एक सिस्टमेटिक डायग्राम अगर हम बनाएं तो उसमें सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, अमीटर और प्लग की, इनका होना बेहद आवश्यक होता है। एग्जाम्पल स्क्रीन पे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से और किसी भी फिक्स पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q, यानी वर्क, W यहाँ पे होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि चार्ज को इनफाइनाइट से लेके उस फिक्स पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उससे हम W से डिनोट करते हैं। वही Q चार्ज होता है और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि अब हमें जो चार्ज है उसको इनफाइनाइट से नहीं लेके आना है, उसको हमको एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक पहुंचाना है। और ऐसे स्थिति में एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक पहुंचाने में चार्ज को जो वर्क डन लगता है उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट बी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट अपॉन क्यू, यानी कि चार्ज। अब ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान से देखिए कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, वहीं निगेटिव चार्ज कभी भी मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे और उनका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा। अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि अब यहाँ पे यूनिट चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे और उस समय जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। फिर ध्यान से सुने कि अगर हम यूनिट चार्ज को, यानी कि 1 कूलम चार्ज को एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक लेके जाएं और ऐसे में लगने वाला जो एनर्जी होगा वो 1 जूल के बराबर में होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मापते किस यंत्र से है या फिर किस डिवाइस से हम मापते हैं, तो उस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है? जो भी सर्किट हो, अब सर्किट होता क्या है ये आप पिछले शायद 2 या 3 टॉपिक पहले पढ़े हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस या फिर क्लोज पाथ जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसके सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि स्पेशली सेल, प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कनेक्टिंग वायर्स, इन सभी से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन्हीं सभी को हम पेपर पे पेन के या फिर पेंसिल के हेल्प से हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम के नाम से जानते हैं। सभी के अपने एक सिंबल होते हैं, जो कि सिंबल आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक शेल का सिंबल, ध्यान से देखिएगा।
ये आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगी, इसको हमने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। सो प्लीज़ आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़िए, उसमें ये आपको मिल जाएगा सभी का सिंबल, और उसको ध्यान से अच्छे से समझिए। ये कुछ एग्जाम्पल थे सिंबल्स के। अब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये पाया कि जो करंट यानी कि आई किसी भी मेटालिक वायर में फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्मिनल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, यानी कि करंट के। और आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो ऐसे में वी के जगह पे वी रखेंगे और जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको इक्वल टू करेंगे, लेकिन इसके जगह पे एक हमको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होता है तो हम उसको यहाँ पे आर लगाए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो आर है ये कांस्टेंट है और आई पहले का आई था। और फिर यहाँ से हमें एक और फार्मूला मिल जाता है कि v बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने क्या यहाँ पे क्या माना था, r, यानी कि v बाई आई इज इक्वल टू आर। ओके, सो v इज इक्वल टू आई आर, ये हमें फार्मूला यहाँ से मिलता है, और ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये जो टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ओम्स लॉ को आप ब्रीफली पढ़ेंगे बुक से अपने। अब अगर आपको यहाँ पे किस चीज को किससे डिनोट किया गया है ये जानना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू करंट से डिनोट किया गया है, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है और R यानी कि रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो R है वो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। गाइज अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। तो रेजिस्टेंस स्पेशली एक बाधाएं होती हैं जो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक जो फ्लो करता है उसके अगेंस्ट में काम करती हैं, यानी कि ये करंट को फ्लो करने में बाधाएं क्रिएट करती हैं, यानी कि वहां पे ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है जिससे कि करंट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को ऑब्जर्व करता है और उसको हीट के फॉर्म में बाहर फिर हीट एनर्जी में वो निकाल देता है। तो रेजिस्टेंस हमारे वहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं, और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है ओम, और ओम एक ग्रीक लेटर से हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में। ध्यान से देखिए वो ग्रीक लेटर यहाँ पे है। अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग छोरों में अगर देखा जाए तो उसमें अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और वो जो करंट फ्लो करता हो वो 1 एम्पियर हो तो ऐसे स्थिति में जो आर होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। यानी कि किसी भी वायर के 2 एंड्स यानी कि 2 एंड होंगे तो उसमें 2 एंड का पोटेंशियल डिफरेंस वी यानी कि यूनिट में भी होना चाहिए और वह जो करंट पास करना चाहिए वह 1 एम्पियर पास करना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है।